और ये वीडियो मैं डालना भी नहीं चाहता था, बस मैं ये सिर्फ मैसेज छोड़ रहा हूँ कि एटलीस्ट यार बड़े छोटे का तो एक उम्र का कुछ लिहाज होना चाहिए। मैं लिख कह रहा हूँ, ये बातें नहीं होती हैं ये सोशल मीडिया में डालने वाली या कुछ कहने के लिए, बट ये मेरा मैसेज है यार कि बड़े का छोटे का कम से कम एक एहसास होना चाहिए। बहुत फील होता है मुझे कभी क्या लिख दिया है, सिर्फ मैं आजमाना चाहता था और कुछ नहीं था, तो बहुत कुछ लिखा था उस वक्त। अगर मैं रिप्लाई देने पे आता मैं बहुत कुछ दे सकता था रिप्लाई, तो मैंने कहा छोड़ो यार क्या बोलूँ मैं, अब देख लिया। इसलिए यार जो चीज़ प्यार से ली जाती है ना, जो जुबान है ना, जुबान यही इंसान को उठा देती है, यही इंसान को गिरा देती है। इसलिए हमेशा मैसेज जो हो वो एक किस्म की जुबान ही है, टांगी है। कोई भी चीज़ हो चाहे बोलना लिखना एक ही बराबर है, सोचना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कि मतलब चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो हमेशा सोचना चाहिए। इसमें अमीरी गरीबी या कोई वो चीज़ नहीं आती है, हमेशा सोचना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। कभी तो किसी को पिंच नहीं करनी चाहिए, मुझे बहुत पिंच हुई थी बातें पर मैं चुप रहा, जवाब देने में मैं बहुत कुछ जवाब दे सकता था पर मुझे आदत नहीं है। अगर अगला उस लेवल पर जाता है मैं उस लेवल पर जाना नहीं चाहता हूँ, ना मैं जाता हूँ। बाकी घर वाले जानते हैं मुझे अच्छे से, तो अच्छे से जानते हैं, मेरे दोस्त तक जानते हैं, सब जानते हैं मेरे को मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। ये पहले भी रिपीट किया, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आजमाना चाहता था और कुछ नहीं था, देख लिया आजमा के ही मैंने, वो मुझसे गलती हो गई आजमा के भाई।